हैदराबाद शहर के हल्के असेंबली गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह के जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एबिट्स बिजनेस एसोसिएशन जगदीश मार्केट एसोसिएशन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज्जम किया गया। एबिट्स में वाकई दुकानात के मालिकीन ने रजाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद करते हुए एक रैली की शक्ल में एबिट्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया। इस मौके पर एसीपी एबिट्स के वेंकट रेड्डी ने सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का तयखुन दिया। बादजा एहतजाजियों की जानिब से एबिट्स पुलिस स्टेशन तक जगदीश मार्केट एहतजाजी रैली निकाली गई। हम लोग एबिट शॉपिंग सेंटर की जानिब से एफआईआर कंप्लेन करें। सुर्खियों में रहने वाले राजा सिंह फिर अपना जहर उगले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जो कि बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। हर बार की तरह इस बार तो सारी हदें पार करते हुए नूपुर शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़े, और एफआईआर होने के बाद उसको उठाने के बाद भी उसका ये बोलना है कि दूसरा पार्ट बनने के लिए मैं तैयार हूँ, पार्ट टू बनाने के लिए। हम उस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, ऐसे बदमाश को ना कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम शुक्र गुजार हैं तेलंगाना का पुलिस डिपार्टमेंट का और KTR सर का, CM KCR सर का, जो उसको इमीडिएट एक्शन करके उसको अरेस्ट करें। और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये माहौल ख़राब नहीं होना, और BJP भी उसको उसके जो भी है पावर्स रिवोक कर लेना चाहिए। और इसके अलावा भी अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, ये माहौल ख़राब करने का पूरी इसकी प्लानिंग थी, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारा सबका जो है सो ना हिंदू भाइयों के साथ हमारा जो कारोबार में चल रहा है वो खुलूस बरकरार रहेगा, और हम